अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनका इस कदम को भी हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे ये SKS जो है बहुत हिट हो जाए, हर किसी की जुबान पर आए और OTT की दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाए। OTT प्लेटफॉर्म तो अभी ऐसा हो गया कि हर एक की जरूरत हो गया, क्योंकि जब मोबाइल ही हमारे हाथ में 24 घंटे होता है, TV तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग देखते हैं, आजकल कोई देखता नहीं, TV बहुत कम देखते हैं, कुछ खास प्रोग्राम हो तो देखता है, लेकिन मोबाइल आप हर वक्त 24 घंटे अपने साथ में रहता है, और ऐसे में आपको आपका फेवरेट जो भी कंटेंट होगा, चाहे किसी भी भाषा में हो, वो अगर आपको मिलता है तो मैं समझता हूँ कि वो हिट हो जाता है। तो SKS जो है, जैसे शर्मा जी का मैं कहूँगा कि इनको हर तरह का नॉलेज है, हर भाषा का नॉलेज है, तो चाहे वो म्यूज़िकल हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे जो भी हो, वो कंटेंट लेकर आएंगे और फिट है। सर आप लेके क्या समझेंगे सर? बताइए। फ्लिक्स है और उनकी पूरी टीम, श्री मनोज गुप्ता जी एवं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और आज नवरात्र का 9वीं तिथि है और 9वीं तिथि माता जी का नवमम सिद्धिदात्री हैं, तो यह आज के दिन, आज इन्होंने जो इसका प्रारंभ किया है, जो शुरुआत किया है, यह सभी प्रकार का सिद्धि देने वाला रहेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं दीप शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आज बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म इस देश में चल रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपनी हिम्मत से और अपने तजुर्बे से इस प्लेटफॉर्म को जो है आज की इस बहुत पेशेवर भीड़ में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ईश्वर से उनके लिए दुआ करूंगा, कामना करूंगा कि वो इसमें कामयाब हों और इस KF OTT को बहुत दूर तक लेके जाएं। देखिए, मनोज गुप्ता जी मेरे मित्र हैं, मेरे पड़ोसी हैं, और आज इस प्लेटफॉर्म पे सुनील पाल जी जाने माने कॉमेडियन हैं, साथ ही हमारे आचार्य पवन त्रिपाठी जी जो खुद ज्योतिष शास्त्र में PhD हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के उपाध्यक्ष हैं, हमारे रमाकांत गुप्ता जी, और अभी सर्वेश कुमार जी के बारे में आप बताए, और दीप शर्मा जी। मैं सभी लोगों को शुभेच्छा देना चाहूँगा कि आज का ज़माना, जैसे सुनील जी ने कहा कि आज का ज़माना TV हो सकता है आने वाले 10-20 साल के बाद में TV शायद एंटीक पीस बन जाएगा और मोबाइल ही रहेगा, तो OTT प्लेटफॉर्म पे सर्वेश जी और उनकी सब टीम ने जो कुछ भी एक अच्छा प्रयत्न किया है, तो जो बड़े बड़े नेटफ्लिक्स है या बाकी है, मैं भी शुभेच्छा दूंगा कि आने वाले दिनों में आप भी नेटफ्लिक्स के बराबर में खड़े हो जाएं, टक्कर दें, यही शुभेच्छा देता हूँ। देखिए, जब मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का घोषणा किया था तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था कि इस देश में तो लोगों के पास मोबाइल नहीं, खाने के लिए नहीं है, ऐसे बहुत सारी वाहियात बातें की थी, लेकिन अब देखिए, आप देख रहे हैं कि लोग पेमेंट भी कर रहे हैं तो 2 मिनट में, आजकल ऐड भी ऐसा आता है, ऐड पे आप देखते हैं कि लोग पर्स में से पैसा निकालते निकालते बाजू वाले ने पानी पूरी का पैसा पेमेंट कर दिया डिजिटल से और वो खा के चला गया। तो उसी तरीके से डिजिटल इंडिया होते जा रहा है, आने वाले दिनों में मोदी जी ने जो एक विजन रखा था डिजिटल इंडिया का, वो पूरा होने जा रहा है। मैं आप लोगों को यही शुभेच्छा दूंगा कि आप लोग डिजिटल जितना अच्छा कर सकें, अच्छी बात है, और आपने जो SKS के द्वारा जितनी भी अच्छी फिल्में उतारेंगे, लोगों को एक प्रेरणादायी होनी चाहिए। फिल्में देखिए प्रेरणा भी देती हैं, समाज को बनाती भी है, बिगाड़ती भी है। मैं आपको यही संदेश आपके द्वारा देना चाहूँगा कि आज को समाज को बांधने की, देश को बांधने की जरूरत है, ऐसा अच्छा है लगे। धन्यवाद। मनोज गुप्ता जी स्वागत करते हुए। OTT प्लेटफॉर्म का बहुत ही जबरदस्त शुभारंभ हो चुका है, हमने प्रोमो देख लिया है, जिसकी शुरुआत इतनी जबरदस्त हो
उसको कोई नहीं रोक सकता। जिस शो का एंकर संजय वर्मा हो वो तो शो बहुत आगे जाएगा, हिट होगा। और मैं समझता हूँ संजय वर्मा बहुत काबिल कलाकार हैं, इन्हें भी एक अवार्ड मिलना चाहिए, वरना कल ये हॉस्पिटल के अवार्ड ही होंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब लोग दिल से आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। कोई भी चीज मीडिया के आशीर्वाद के बिना, सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं है। आप सब साथ देंगे, जैसे मेरी फिल्म, हमारी फिल्म लॉकडाउन टू अनलॉक को आपने सपोर्ट किया था, शिमारो पीपल चल रही है, ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शिमारो पीपल। सर्वेश जी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इनको देख के समझ नहीं सकते, इतने सिंपल इंसान, इतने डाउन टू अर्थ है, और इतने सिंपल इंसान। देखिए इतिहास जो है, सिंपल आदमी ही इतिहास रचता है, ऐसे सिंपल आदमी ही है। जो बात तालियां, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही शुभकामनाओं के काबिल है, दो शब्द कहना चाहेंगे। यस, लेकिन अपने दिल की बात नहीं बता पा रहे, क्योंकि लोग ऐसे लोग होते हैं, ये बोलते हैं कि बोलने की जरूरत उनको पड़ती है जिनके पास टैलेंट नहीं होता। वाह वाह, टैलेंट बोलता है फिर उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे हमारे प्यारे दोस्त, 2000 करोड़ अगर फेंकोगे आप तो आवाज नहीं होगी, लेकिन 5 पैसे का सिक्का फेंको तो टन आवाज होगी। तो सिक्के जो है ज्यादा आवाज करते हैं, 2000 के नोट जैसे जबरदस्त लोग अपने काम से अपने आपको प्रूव करते हैं। और बस यही कहना चाहता हूँ कि हंसते रहिए, हंसाते रहिए। अगर आज अमित शाह जी यहाँ पर आते, हमारे गृह मंत्री, yes. तो शुभकामना देते हैं। हाँ सुनिए, वो फरमाइए इसके इस वृक्ष को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे पार्टी का संपूर्ण समर्थन है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कद्दावर नेता भी यहाँ पे आए थे और आशीर्वाद देके गए, क्योंकि आप सब मेरे घर जैसे हो, क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ। आप मत रहो एस के एस फ्लिक्स, यानी इस नौजवान ने फ्लिक्स को फिक्स कर दिया है, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म और दे दिया है। मैं चाहता हूँ कि प्लेटफॉर्म के साथ साथ एक एयरपोर्ट और दे दिया है, तो विदेश की यात्रा का भी जुगाड़ हो जाए। समीर वानखेड़े जी जो है वो हमारे एनसीबी के बहुत कद्दावर ऑफिसर हैं, और समीर वानखेड़े साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एनसीबी का फुल फॉर्म बना दिया, नशा छोड़ो बॉलीवुड, नशा छोड़ो बॉलीवुड। वाओ, और एक ज़माने में शाहरुख खान साहब ने वानखेड़े स्टेडियम में हंगामा किया था, तो समीर वानखेड़े साहब ने अब बदला लिया है वानखेड़े स्टेडियम का। और उनकी पत्नी जी का नाम है क्रांति रेडकर। अब देखिए समीर वानखेड़े साहब की पत्नी का नाम ही रेडकर, हर जगह पे रेड मार रहे हैं वो, और क्रांति तो मचा ही रहे हैं। पत्नी भी उनकी हीरोइन है, तो हीरोइन का तो उनको मामला पहले से ही ठीक करना था, अब हीरो के पीछे पड़ गए। क्रांति रेडकर जी जो है गंगा जल में छोटा सा रोल किया था उन्होंने, उनके साथ अन्याय हुआ था, तो अजय देवगन से भी बदला लिया, अजय देवगन का सिंघम टाइटल खुद छीन लिया। मगर जो भी है, जोक्स अपार्ट, हमारे युवाओं को, यूथ को मैं चाहता हूँ कि आर्यन तो हमारा भतीजा, हमने तो गोद में खिलाया उसको, हम लोग वर्ल्ड टूर में जाते थे शाहरुख भाई के साथ में, जब रिहर्सल में आता तो बहुत छोटा था बच्चा, और बच्चे तो सभी के प्यारे होते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, जवानी उम्र होती है संभलने के लिए, जवानी उम्र होती है संभलने के लिए, पता नहीं लोग इसी मोड में फिसलते क्यों हैं। तो मैं समझता हूँ कि गलती हुई होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे उसका फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ गलती हो सकती है, जैसे एक बंदे की गलती हो रही है, बार बार फोन कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि समीर वानखेड़े साहब को भी बधाई, बाकी सबको भी बधाई, और जल्द से जल्द मामला निपटना चाहिए, और सबको एक सबक मिलना चाहिए कि नशा का उल्टा शान, अगर नशा छोड़ दोगे तो आपकी शान बढ़ेगी। सो ऑल द बेस्ट, और एनसीबी लव यू, शाहरुख भाई लव यू, आर्यन जल्दी से आ तू। थैंक यू, आप कहाँ हैं? थैंक यू सर।
बेटे हैं पंजाबी कॉमेडी कलाकार बॉलीवुड कलाकार अनिल जी का स्वागत सुनील भाई शगुन जी और ताकि हो जाए तो शगुन पूरा हो जाएगा क्या बात ये माता अब आप आ गए हैं तो सर हमको सर देखिए मेघा गुप्ता जी एक अच्छे कलाकार हैं हमारी इंडस्ट्री के थैंक यू हेलो हाँ थैंक यू एसकेएस ब्रिक से आप किस तरह से जुड़े हुए हैं सबसे पहले आपसे ये जानना है नहीं याद है मेरे सामने यस चलिए एसकेएस फ्लिप्स के लिए सबसे पहले मेरी शुभकामना है कि उन्होंने और नया प्लेटफॉर्म दिया है और मैं एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जुड़ी हूँ मैंने उनके लिए काफ़ी 3-4 शो कर लिए हैं बेटा वैसे देखा जाए तो OTT के मामले में आप देखोगे तो हर जगह एक मोनोपोली है पर जो मैं जो उनसे मिली एसकेएस जो हमारे हैं उनका नेचर इतना अच्छा है ना कि वो हर इंसान को काम का मौका देते हैं हर डायरेक्टर को हर प्रोड्यूसर को तो मेरे ख्याल से ऐसे बंदों को मौका मिल रहा है जो अपना अनुभव अपना जो करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है शॉर्ट शब्दों में बहुत दिल से जुड़ी है दिल तो वही लगता है ना जहाँ प्यार मिलता है रिस्पेक्ट मिलती है फिर तो वो चीज़ें तो वही मिलेंगी ना तो शगुन जी यहाँ पे रामकुमार पाल जी भी आने वाले थे वजह पूछने लिए आज नवरात्रि है लास्ट है माता जी का तो मतलब शायद हो सकता है कि हमने गलत टाइम पे रखा होगा प्रोग्राम हर व्यक्ति बिजी है हमने इनवाइट किया उनसे वो नहीं आ पाए उनका किस तरह का सपोर्ट रहता है आप जब उनके पास जाती हैं उनसे मिलते हैं उनका किस तरह का सपोर्ट बना हुआ रहता है वो ऑलवेज मेरे भाई के जैसे हैं हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है हमेशा ऑलवेज मेरा साथ देते हैं और उनकी कमी मुझे है नहीं पर महसूस हो रही है वो होते थे शायद और अच्छा लगता और वो समाज से भी जुड़े हैं समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं कार्य करते हैं तो उन्हें होना चाहिए था मैं मिस कर रही हूँ आप क्या कहना चाहेंगे एसकेएस फ्लिक्स से आप किस तरह से जुड़ी हैं और आप किस तरह नज़र आएंगे इस OTT प्लेटफॉर्म में इसमें मैं एज एन एक्ट्रेस आपको नज़र आऊँगी और ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी बोला हम सब इससे दिल से जुड़े हुए हैं एक होता है प्रोफेशनल तरीके से जुड़ना है एक होता है दिल से जुड़ना तो यहाँ पर मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने भी जो भी जुड़े हैं बहुत सारे ना तो समझ में नहीं आ रहा तो सब लोग बहुत दिल से जुड़े हुए हैं कोई ऐसा प्रोफेशनल मतलब नहीं है कि काम तो ठीक है कर ही रहे हैं लेकिन सब लोग एकदम फैमिली की तरह हैं इसमें तो अभी कोई इसके OTT प्लेटफॉर्म के लिए अभी एसकेएस के लिए कितने आपने कुछ तैयारी हुई है या फिर आपके कुछ बन चुके हैं जो रेडी अभी हमने काफ़ी प्रोग्राम मतलब हमारे अलावा काफ़ी लोग काफ़ी मतलब प्रोड्यूसर कर रहे हैं मेरे ख्याल से 10-15 प्रोजेक्ट रेडी है एसकेओ मतलब एसकेएस को बहुत अच्छा मतलब लॉन्चिंग मिल रहा है मतलब होता है कि OTT में पहले कि मतलब प्रोग्राम रेडी नहीं होते या कुछ अधूरे हो जाते हैं लेकिन इस मतलब OTT को एक बहुत अच्छे लोग प्रोड्यूसर मिले हैं अच्छे डायरेक्टर मिले हैं और काफ़ी प्रोग्राम है इनके पास जो रेडी है अभी मैं SKS से इसलिए जुड़ा जब शगुन जी ने मेरे इसके बारे में बताया तो हमारे बड़े भाई रामकुमार पाल जी हम लोग मिले हमें इनका जो है चूँकि काफ़ी सालों से हमारा इनका साथ रहा है इनके प्रतिभा को हम काफ़ी अच्छे तरीके से जानते थे तो हमने एक डिसाइड किया कि एक उभरती हुई प्रतिभा को सपोर्ट किया जाए जो आगे चलकर इस फिल्म इंडस्ट्री में एक अपना नाम स्थापित करे इसके लिए हमने SKS नेटफ्लिक्स को सपोर्ट किया और हम ये वादा करते हैं आपसे कि जहां भी फाइनेंशियल या किसी भी तरह का कोई सपोर्ट रहेगा हम इनको हमेशा वो सपोर्ट देंगे और इस OTT प्लेटफॉर्म को देश और दुनिया का एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें एक अच्छे कंटेंट्स आवे अच्छे लोग इससे जुड़े अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इससे जुड़े जिससे कि हम एक अच्छी चीज़ अपने भारतवासियों के लिए दे सकें आज का माहौल आज का टाइम बहुत अलग है हम चाहते हैं कि अगर अच्छी चीज़ें आवे उस पर हमारी काफ़ी डिस्कस हुई शगुन जी से तो उन्होंने बोला नहीं हमारा जो OTT चैनल जो हम लेके आ रहे हैं सर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको जो भी इसमें कंटेंट आएंगे जो कुछ भी देखने को मिलेगा वो एक काबिल तारीफ होगा एक फैमिली
पूरी फैमिली बैठ के देख सकते ऐसा हम जो है लेके आएंगे। तो मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ उनको। और मैं अश्विनी जी का भी स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अश्विनी जी, थैंक यू सो मच। एसकेएस फिलिप्स को किस तरह से आपने शुरुआत की है, क्योंकि और भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है मार्केट में, लेकिन उनसे क्या डिफरेंट लेकर आएंगे आप इस ओटीटी प्लेटफॉर्म? इसमें क्या है मैम, ये अपना ओटीटी हर ओटीटी से अलग तैयार हो रहा है, जिसमें से इसकी फ्यूचर की बात करें हम तो इसमें हमारा पूरा मैच प्लेयर का कोडिंग हुआ है, जिसमें से आप सारे मैच प्लेयर के ऑप्शन देख सकते हैं, वो चीज़ हमारे इस पे आएगा। ये एक फैमिली चैनल तैयार हो रहा है, जिसमें से आपको इसमें सोशल मीडिया का भी ऑप्शन मिलेगा कि आप सोशल मीडिया जैसा फेसबुक हो गया, आपको इंस्टाग्राम हो गया, वो सारा चीज़ हमारी ओटीटी पे आप चला सकते हो। और इस पे आपको टिकटॉक मिलेगा, जिसमें से मार्केट में बहुत अच्छा ओटीटी तैयार हो रहा है। तो टिकटॉक की आपने बात की है, टिकटॉक जिस तरह से लोगों का काफ़ी लोकप्रिय था और उसे बंद भी कर दिया गया था, बंद हो कर दिया गया है, तो अब आप फिर एक बार टिकटॉक की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो किस तरह से इस टिकटॉक की शुरुआत आप कर रहे हैं और किस तरह से क्या पहले जो टिकटॉक था उससे क्या जुड़ा हुआ होगा, उस तरह फैमिली टिकटॉक, जिसमें से अगर कोई गंदी पोस्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो कंपनी उसको बैन कर देगी, उसकी आईडी चलेगी नहीं। और आपकी टीम के साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और आप जो अभी प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं अपने इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, उसमें कौन कौन से स्टार कास्ट, कौन कौन से चेहरे हैं जो अभी हमें नजर आ सकते हैं? अभी तो इसमें जो भी काम हैंडल कर रहे हैं हमारे सब शगुन नेम हैं, सागर सर हैं और दीप सर हैं, ये सब लोग हैंडल कर रहे हैं। अब इनको किसको कास्ट करना है, सब लोग ये तीन लोगों को देखना है। दोनों का वेलकम कर रहे हैं सर्वेश कुमार जी। सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम दीप शर्मा है और मैंने 12-13 फिल्में एज एसोसिएट राइटर लिखी हैं, जिसमें जिगर है, बलवान है, 20 साल बाद है, पाप की आंधी, क्रोध है, बहुत सारी फिल्में एड फिल्म्स काफ़ी की हैं, लिज्जत पापड़, ससा नीलम, कुलिप माउथ फ्रेशनर, बिरला सीमेंट और सीरियल्स बहुत सारे किए हैं। और फ्लिक्स के साथ जब फ्लिक्स की शुरुआत हुई थी तब से हम साथ में जुड़े हुए हैं। हमने फ्लिक्स के लिए 2-3 प्रोग्राम्स बनाए हैं जिन्हें शगुन राठौड़ जी ने प्रोड्यूस किया है, सागर जी ने अपनी फोटोग्राफी से जिसको इसकी खूबसूरती को निखारा है। और बस बहुत जल्दी आप सर्वेश भाई के नए OTT SKS फ्लिक्स में हमारे सारे OTT वेब सीरीज देखना पसंद करेंगे। तो इस एक OTT प्लेटफॉर्म से क्या कुछ लेकर आने की आपकी तैयारी है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया 13-14 फिल्मों को जिस तरह से आपने पहले इतनी बड़ी फिल्मों को आपने किया है, तो अब इस OTT प्लेटफॉर्म के साथ आप जब जुड़े हुए हैं तो आप किस तरह से इसके लिए फिल्में एंड आपके प्रोजेक्ट किस तरह? हमारी कोशिश ये है कि हम कुछ नया करें, कुछ अलग करें, वो चीज़ें ना करें जो इससे पहले बहुत लोगों ने देख लिया है। गंदगी से बहुत दूर है, हमारे OTT में बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें बन रही हैं, क्राइम शो बन रहा है, कॉमेडी शोज़ बन रहे हैं, रियलिटी शोज़ टाइप कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग बना रहे हैं। और हमने कुछ अलग करने का एक प्लान किया है, जो जैसे जैसे आता रहेगा आप लोग देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि आप दूसरे जो प्लेटफॉर्म पर जो सब्जेक्ट है, जो प्रोजेक्ट है, उनसे डिफरेंट लाने की आपकी कोशिश है, तो आपके लिए चैलेंजिंग कितना होगा, क्या अभी भी कुछ चैलेंज आपके सामने ऐसा है जो आप फेस करना पड़ रहा है? चैलेंजिंग तो बहुत है, क्योंकि देखिए बुरा मत मानिए, सबसे पहले तो जब एक डायरेक्टर आर्टिस्ट को अप्रोच करता है कि आप वेब सीरीज में काम करेंगे, तो सबसे पहले तो उनका जो फीमेल्स होती हैं उनका रिएक्शन ही कुछ अजीब होता है, तब हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि भाई ये वो OTT नहीं है जहाँ पे कोई गंदगी हो, जहाँ पे कोई नंगापन हो, ऐसा कुछ नहीं है, साफ़ सुथरा OTT है। और इसमें काम करके आपको अब 10 जगह अपने लिंक शेयर कर सकते हो, बाकी OTTs में जाते हैं, काम करते हैं, मगर आप खुद अपनी पहचान छुपाना चाहते हो कि यार कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। तो हमारा OTT ऐसा है कि जिसमें हम उनको काम देंगे तो वो 10 जगह खुद प्रमोट करेंगे कि मैंने इस OTT में काम किया है। आपका नाम जानना चाहूंगी और आप किस तरह से इस SKS से जुड़े? मेरा नाम सागर बाबरिया है। जब से इस OTT के प्लेटफॉर्म, हमारा ऑलरेडी एक OTT प्लेटफॉर्म चल रहा है जिसका नाम फ्लिक्स SKS मूवीज करके चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल बाबतों की वजह से हमें थोड़ा चेंज करना पड़ा और ये हम नया OTT प्लेटफॉर्म मार्केट में ला रहे हैं।
तो इस नए OTT प्लेटफॉर्म से क्या कुछ नया लाने की आपकी कोशिश है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पहले एक OTT प्लेटफॉर्म था, उसे छोड़कर फिर नए इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या कुछ नया है इसमें? ये OTT प्लेटफॉर्म की शुरुआत हमने इस तरह से की है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये जो OTT प्लेटफॉर्म बनाया है वो पूरा फैमिली एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही बनाया है। ये बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई इसको देख सकता है, हर एज के लिए हमारे पास हमें प्रोग्राम है। जैसे कि हमने क्राइम शो अभी स्टार्ट कर दिया है और ऑलरेडी हमारे पास में कंटेंट सारे रेडी है जो आपको नेक्स्ट डे से आपको कल से ही देखने के लिए इसमें मिलेगा। तो जो नए चेहरे हैं जिनमें टैलेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, क्या ऐसे लोगों को भी जगह मिलेगी SKS प्लेटफॉर्म पे? मैम ऑलरेडी जो भी नए आर्टिस्ट है उनको ही चांस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको ही चांस दे रहे हैं। सर ने जैसे बताया कि बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म में जो भी कंटेंट चल रहे हैं उसकी वजह से लड़कियां खास करके जो फीमेल आर्टिस्ट है उनको थोड़ी हिचकिचाहट होती है, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं हो रही है और पूरा फैमिली एंटरटेनमेंट कॉमेडी सीरीज है वो सब हम ला रहे हैं इसमें। जब वेब सीरीज का नाम आता है तो उसमें जो एक सीन लोगों को देखने को मिलता है और लोग उसे ही देख रहे हैं, लेकिन आप उससे चेंज कर रहे हैं कि उन वो सीन आपके वेब सीरीज में नहीं होगा, तो क्या लगता है दर्शकों का प्यार मिलेगा आपके वेब सीरीज को? 100% में हमारा एक्चुअल में यही मानना है कि जो भी वेब सीरीज है, वेब सीरीज ओनली फॉर वही कंटेंटों की वजह से ही जानी जाती है। वेब सीरीज़ का नाम आते ही सबको यही लगता है कि इसमें उस टाइप के ही कंटेंट होंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बड़ी बड़ी OTTs पे भी अभी अच्छे अच्छे कंटेंट्स चल रहे हैं, अच्छे अच्छे स्टोरियाज चल रही है, तो उस हिसाब से हमारा पूरा मानना है कि वही कॉमेडी कंटेंट है। वेब सीरीज में भी कॉमेडी कंटेंट हम ला रहे हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट हमारे पास में है, प्लस क्राइम शो हम कंटिन्यूज हमारी सीरीज रहेगी जो हर वीक में हमारा दो दो अपडेट आती रहेगी। मनोज जी, आप किस तरह से देखते हैं कि जब एक OTT प्लेटफॉर्म आ रहा है और साफ सुथरी प्रोजेक्ट और फिल्में वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो इस OTT प्लेटफॉर्म को आप किस तरह से प्रमोट करते हैं और क्या लगता है दर्शक इस OTT प्लेटफॉर्म को भी अपना प्यार देगी? मैम दर्शक जरूर इसको प्यार देंगे, जो एक कोशिश है, ये कोशिश कोई जल्दी नहीं करता। देखिए अर्थ मनी सब आदमी चाहता है, हम कुछ लॉन्च करें तो कुछ उससे पैसा कमाएं, हर आदमी का एक मतलब एक समझ लीजिए सबका है, हम ये चाहते हैं। ठीक है, पैसा तो हमें आएगा, हो सकता है थोड़े दिन हमको वो नहीं मिले, लेकिन हमको ये पूरा विश्वास है कि जो हम लेके आ रहे हैं कंटेंट एक नई चीज़ होगा हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली के लिए एक नई चीज़ आएगी, तो उसको लोग प्यार देंगे। थोड़े समय के लिए होता है लेकिन हमको एक पूरा विश्वास है उसको प्यार देंगे और हमें ये नई चीज़ हिट करके रहेंगे। हम एक नया कॉन्सेप्ट जो लेके आए हैं इसको देश और दुनिया में बताएंगे कि सिर्फ गंदी चीज़ें ही नहीं चल सकती, अच्छी चीज़ों के भी लोग परखने वाले हैं, अच्छी चीज़ों को लोग प्यार करने वाले हैं, उन्हें वो चीज़ें मिलनी चाहिए, मिलती नहीं हमारी मजबूरी है तो हम लोग देखते नहीं, मिलेगी तो ज़रूर देखेंगे और ज़रूर प्यार देंगे। तो क्या गुड विशेस होंगी आपकी तरफ से एक साफ सुथरी वेब सीरीज लेकर आने की, जिस तरह से इनकी तैयारी है? अच्छा, बीरबल जी के लिए मैं बोलना चाहूँगा शब्द, एक मिनट पहले आप उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। ओके, मेरी बेस्ट विशेज हैं, ये जो अच्छा काम करने जा रहे हैं मालिक इनको इसमें तरक्की दे, और जहाँ पर सच्चे दिल से कोई कोशिश करता है तो वो चीज़ हमेशा कामयाब होती है। और मैं तो कहता हूँ ज़िंदगी में कुछ भी काम करो, फर्स्ट डिज़र्व एंड देन डिज़ायर। हम लोग डिज़ायर बहुत कुछ करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमें अपने आप को इसके काबिल बनाना है तभी आप कामयाब होंगे। सिर्फ सोचने से नहीं आदमी कामयाब। इधर ही सर, इधर सर, चलो। हाँ, यस। अब जैसे मैं इस लाइन में आया था, मैं बचपन से ही किशोर कुमार का फैन था और ओम प्रकाश का भी फैन था। उन दोनों की पिक्चरें मैं 20-20 दफ़ा 30-30 दफ़ा देखा करता था और वहाँ से मैं कुछ ग्रहण करता था। पहले मैंने कॉलेज में आया कॉमेडी की, कामयाब हुआ, उसके बाद टीवी में भी किया, दिल्ली दूरदर्शन पे भी। उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरे को इस लाइन में कुछ लगता है कि मैं कुछ बन सकता हूँ, तभी मैं यहाँ ट्राई करने आया था। क्योंकि अगर आपको काम मिले और अगर आपने काम अच्छा नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका काम ही आपको आगे लेकर आएगा। आज हम जो वेब सीरीज देखते हैं जिसमें बहुत सारी हम गंदगी देखते हैं, आपको क्या लगता है उस चीज़ों पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, जिस तरह से आज इस OTT प्लेटफॉर्म ने सोचा है, ऐसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म को भी सोचना चाहिए इस तरह की वेब सीरीज लाने से पहले? मैं तो कहता हूँ कि देखो, हमारा जो अपना इंडियन कल्चर है उससे बढ़कर कोई कल्चर नहीं है। वेस्टर्न कल्चर जो है कि नहीं, उनके लिए ठीक है,
अभी हम देखो आजकल के जो बच्चे हैं वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, इट इज़ वेरी बैड। हमारा इंडियन कल्चर इतना अच्छा है, अपना इंडियन म्यूजिक इतना अच्छा है, हमें वेस्टर्न में एक स्टाइल का लगता है, डिंग डिंग डंग डंग डिंग डंग डिंग डंग, और कुछ नहीं, वैरायटी नहीं। और अपना जो इंडियन म्यूजिक है उसमें तो क्या क्या चीज़ें हैं, एक दफ़ा सुनो तो सुन, दिल करता सुनते ही जाओ सुनते ही जाओ। अब बीरबल जी छोटा सा गाना सुना। ना ही रोना मुश्किल काम है, लेकिन अपने आप को रुलाकर दूसरों को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। सर माइक दीजिए। हाँ यस सर माइक दीजिए अभी।